एक याद है के लिपटी हुई है मेरे दिल से, जिसमें तेरी आंखों के हंसी ख्वाब हैं रोशन, जिसमें वो सुरीली सी हंसी झूम रही पे मेरी, वो अचानक तेरा मुड़ना मंजर, वो निगाहों में मेरी घूम रहा है। एक याद है कि लिपटे दम मेरे हमरा मेरे साथ था एक शख्स, जिस दम मेरी दुनिया था मेरे पास था एक शख्स, एक याद है के लिपटी हुई है मेरे दिल से। बस याद वो एक याद असर सा मेरे दिल का, बस याद वो एक याद असर सा मेरे दिल का। एक याद है कि लिपटी हुई है मेरे दिल से, एंड आई एम श्योर देखने वाले बहुत सारे लोग जिन्होंने ये गाना सुना, और इंशाल्लाह जब ये ड्रामा टेलीविज़न के ऊपर आएगा और आप देखेंगे तो हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी याद ज़रूर होती है, कुछ कोई ना कोई ऐसा रिश्ता ज़रूर होता है जो शायद तकमील उसकी नहीं होती रिश्ते की, मगर वो आपकी ज़िंदगी का असासा होता है। वो रिश्ता बाकी रिश्तों के अंदर मजबूती की वजह ज़रूर हो सकता है, चाहे वो आपके पास हो या ना हो। एक्चुअली इस बात के अंदर मैंने पूरी जो एक याद है कि कहानी बयान कर दी है, क्योंकि हम ऑब्वियसली प्ले की बात करेंगे, और जिस तरह से आपने देखा ये गाना गाया है राहत फ़तेह अली खान ने, और बजट भी आपने देखा होगा कि बहुत ही कोई अमेजिंग बजट है। और क्या कास्ट है इसकी, आप से लेकर एहसन, नुमान, एजाज एंड यू नो रेशम, मोहम्मद राना, कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं जो मुख्तार साहब ने ना डाला हो बीच में, सबा फैसल, एवरीबडी, नौशीन शाह, बिल्कुल एक्सेलेंट, दीबा बेगम साहिबा, उनकी बेटी, और तो और आपका बेटा जिसने मेरे ख्याल है आपका बचपन का किरदार निभाया, सो ही इज इनटू एक्टिंग। Yes. Oh, brilliant. Yeah, Zabardast. He started that. Like, और वो इतनी resemblance है कि वो वाकई आपकी सूरत और आपका दूसरा बचपन का version लगा। ये पहली दफा ऐसा हुआ होगा। सही। तो वो ये भी मुख्तार का ही आइडिया था कि भाई ये मेरे बचपन का जो रोल है वो शहजादी करे, सो दैट्स व्हाई उसको रखा। और दीबा का जो बचपन है उनकी बेटी में, डिफरेंट, और वो एक केमिस्ट्री भी बड़ी डिफरेंट सी होगी, कि आप जाहिर है जितना एक लड़का अपने बाप को समझ सकता है या वो उसको जानता है उतना अच्छा वो पोर्ट्रे करेगा, और उनकी बेटी कैसा एक्सपीरियंस रहा सर, एक याद है? वेरी गुड, एब्सोल्युटली मार्वेलस। मैं समझता हूँ कि बहुत कम जो मैं कैरेक्टर मैंने किया इसमें आगा अफसार हुसैन, यस राइट, तो वो आगा साहब का जो कैरेक्टर है वो
एक्चुअली स्टार्ट यहाँ से हुआ कि भाई मुख्तार का और शायद जहूर साहब का फ़ोन आया कि यार एक सीरियल करना है। मुख्तार से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत पुराना साथ है। उन्होंने मुझे कहा कि यार सीरियल करना हो, क्या करना है भाई, ठीक है नॉर्मल। तो उस वक्त इनके भी जहन में मेरे लिए कोई और कैरेक्टर था, ठीक है, और इस आगा साहब के कैरेक्टर के लिए कोई और ये सोच रहे थे, ठीक है। फिर खुद ही इन्होंने डिसाइड किया यार क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये शेख साहब से करवाएं। अब इन्होंने मुझे फोन किया, मुझे कहा कि यार वो ऐसे ऐसे है। मैंने कहा भाई वो मैं नहीं करूंगा। बोला क्यों? अच्छा हाँ अच्छा। मैंने कहा भाई वो तो बड़ा लंबा कैरेक्टर है और उसमें बहुत डेटे चाहिए। सही। वो फिर उसके लिए वो कैरेक्टर है तो वो ऑब्वियसली उसी तरह उसको फिर निभाना, बॉडी लैंग्वेज टाइमिंग वो सारी चीजें। तो मुख्तार ने कहा नहीं, और शायद जहूर साहब ने कहा नहीं नहीं आप ही ने करना है और हमने सोच लिया है। और ये खैर फाइनली वी डिसाइडेड टू सिट डाउन एंड डिस्कस के जी इसका अब क्या होगा, क्या होगा? पूरी उनकी कहानी सुनी, कैरेक्टर क्या है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर फिर गेटअप के ऊपर बहुत खूबसूरत। यू आर लुकिंग वेरी नाइस, ग्रेसफुल। आप सोचिए आज से 30 साल बाद, मुझे तो लगता है 30 साल बाद भी आप ऐसे नहीं होंगे सीरियसली। वो जिस लिहाज से आप चल रहे हैं ना ग्राफ, आप 30 साल में भी वो नहीं होने के। बट माशाल्लाह माशाल्लाह, हम ये ऐसी सेहतमंद रखे आपको। बट द पॉइंट इज यू आर लुकिंग अ वेरी हैंडसम ओल्ड मैन, यू नो। बाप और बेटे की बात तो एक तरफ, हमने सोचा है कि मुअम्मर राना जो है वो आपके इस प्ले के अंदर पोते बने हुए हैं। इज दैट ट्रू? पोते बने। तो वो मुअम्मर राना के क्या तासुरात थे जिस वक्त उन्हें पता चला कि आप उनके यू नो दादा होंगे? और नहीं नहीं, वो तो खुश था, खुश था। अच्छा आप मुझसे पूछे कि मुझे क्या चला? अच्छा वो हम बाद में पूछ, वेरी गुड, वो हम बाद में पूछेंगे। इस वक्त मुअम्मर राना इज ऑनलाइन तो उनसे पूछ देंगे। अस्सलाम वालेकुम मुअम्मर। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड, यू आर लुकिंग वेरी नाइस। शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम मम्मी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू बॉस? दादा जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दादा, अच्छा मतलब आपने तो अपनी पर्सनल जिंदगी में भी उनको दादा कहना शुरू कर दी। कौन सा वाला दादा है ये? वो दादा भाई वाला? नहीं, ये नहीं, ये भाई वाला ही दादा है। ये भाई लोग हैं, मैं और ये हम सारे भाई लोग हैं। अच्छा भाई लोग सही। अच्छा जी कैसा लगा जी? मैंने इनसे पूछा आपको कैसा लगा कि वो आपके पोते बने, कहते बस ना पूछे। अब आप बताए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इतना हैंडसम आपका दादा? तो पोता दादी ले गया सर। चलो पोता और दादा का वो भरपूर मुकाबला। हाउ वाज द एक्सपीरियंस मम्मर वर्किंग? अमेजिंगली गुड, ऑब्वियसली अमेजिंगली गुड। और शेख साहब के लिए तो ये कहना, मतलब आई थिंक इनसे कहे कि ये मेरे लिए बोल सकते हैं, मैं तो इनके लिए कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? एंड बिकॉज मतलब मैं इनको जज नहीं कर सकता। But you know, how did you feel? You know, एक ज़ाहिर है मुख्तलिफ कैरेक्टर के अंदर एक मुख्तलिफ फील थी, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। द कास्ट इज़ वेरी नाइस, प्ले एक याद है, वो भी मतलब मुख्तार साहब की बहुत ज़बरदस्त एफर्ट्स और बहुत अच्छे तरीके से, वो जिसे कहते हैं ना, बहुत लॉजिस्टिक्स बहुत इसकी हाई जो इसके अंदर यूज़ की गई। जी हर चीज़ जो है, मैं इसमें एक ही चीज़ कहूँगा, अभी आपने मुख्तार का नाम लिया, मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ जो है वो शेख साहब भी मानेंगे, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो सीरियल हो, जब तक प्रोड्यूसर अच्छा नहीं है, प्रोड्यूसर का दिल नहीं है बनाने का, तब तक अच्छा नहीं बन सकता। क्यों शेख साहब? बिल्कुल भाई। अच्छा और अपना जो याद है, जो प्रोग्राम, जो इस ड्रामे का नाम है एक याद है, जिंदगी में आपकी कोई ऐसी याद है वैसे मुअम्मर की, जब ये प्ले हुआ तो ये करते हुए आपने कहा ओहो अच्छा ये तो जिंदगी की कहानी कुछ मिलती? इसकी मतलब एक याद है, मैं आपको यही बताऊँ, इस वे की हम लोग सब जब सेट पे होते थे, मैं यादव शेख साहब रेशम चाहूर हम लोग सारे जितने, तो वी यूज मतलब हमने एंजॉय बहुत किया। इट वाज नॉट लाइक कोई बहुत टेंशन में काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत 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 अच्छे तरीके से हुआ, बहुत अच्छे तरीके से। दैट इज, और सबकी बॉन्डिंग है हमारी सबकी। आई नो मुअम्मर राना रेशम, ऊपर से शाहिद जहूर साहब जो हमारे डायरेक्टर है वो खुद हंसमुख आदमी है, तो सेट पे माहौल बहुत अच्छा था बिल्कुल। और फिर ऊपर से और देखो सॉरी मम्मी, मैं सॉरी मम्मी, मैं ये कह रहा हूँ। फिर ऊपर से बाद दफा ऐसा होता है एक्टर को गॉसिप करने का मौका मिलता है, वो प्रोड्यूसर की बुराइयां कर रहा होता है, यार देखो ये देखो, क्या खाना दिया, ये क्या चाय दिया है। तो यहाँ तो मुख्तार ने उल्टा कर दिया था। आप जाके कहते होंगे बस इतना भी ना करो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मगर मम्मी मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं?
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच मोमर, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच यू इन दिस प्ले एंड आई विश यू ऑल द लक। एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर है आपका इस प्ले के अंदर और वो हम देखने के लिए बेताब हैं एंड आई एम श्योर यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, एक्सीलेंट, एंड आई होप टू हैव यू सम टाइम हियर विद अस। ब्रेक लेनी है यहाँ पे हमें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।